मैंने अपने कोस्टर मोल्ड के अंदर रेजिन पोर कर दिया था। सो नाउ लेट मी शो यू कि अनमोल्ड करके कि इनका क्या रिजल्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पेंडेंट मोल्ड जिसके अंदर एक होल क्रिएट किया था। सो नाउ यू कैन सी कि वो होल जो है वो बहुत अच्छे से इंटैक्ट है और आप इसमें चेन या जो भी आपने डालना है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज आप बुक मार्क मोल्ड्स और की चेन मोल्ड्स भी इसी तरह से बना सकते हैं। नाउ लेट्स अनमोल्ड दिस कोस्टर मोल्ड एज वेल। सो नाउ यू कैन सी कि जिस बहुत ही अच्छे तरीके से किंसुगी जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। मैंने इसकी जो डीप एजेस थे उसके अंदर गोल्डन लीफ पेंट जो है वो उसे फिलिंग कर ली थी। ये मेरा क्रिस्टल मोल्ड था जिसके अंदर मैंने कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो बनाए हैं। बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी काइंड ऑफ क्रिस्टल्स बने हैं। रीजन बीइंग कि मैंने ग्लॉस वार्निश जो है वो स्प्रे की थी। तो अगर आपको कोई भी शाइनी सरफेस चाहिए, योर एंड रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर योर एंड रिजल्ट टू बी शाइनी काइंड ऑफ, तो फिर आपको ग्लॉस वार्निश जो है उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट आई हैव दिस वन मोर क्रिस्टल मोल्ड जो कि हॉरिजॉन्टल था। सो यू कैन सी इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह से आया है। ये भी अगेन शाइनी क्रिस्टल्स हैं।